एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशी राजनयिकों के साथ में जो विदेश सचिव की मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग खत्म हो गई है। साउथ ब्लॉक में विदेशी राजनयिकों के साथ में मीटिंग थी, जिस मीटिंग में 10 देशों के राजनयिक और राजदूत इसमें शामिल हुए। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े। मधुरेंद्र, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है इस मीटिंग से? देखिए, विदेश सचिव जो बैठक कर रहे थे, उस बैठक का लबल हुआ यही है कि तमाम देशों को ये बताना कि किस तरह से पाकिस्तान इस तरह से वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, झूठ फैला रहा है और खासतौर पे उसने मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान का एक झूठ जो कि वो भारत के खिलाफ फैला रहा था, उस झूठ को एक तरह से बेपर्दा करना और वास्तविक स्थिति से दुनिया के तमाम देशों को रूबरू कराना, चूंकि G5 नेशंस के एक तरह से जो मेंबर्स देश हैं उनको इस बात से रूबरू कराया गया और जो बाकी भारत के जो मित्र देश हैं, जो सामरिक महत्व के उन तमाम देशों को एक के बाद एक बुलाकर उनके राजनयिकों को विदेश सचिव खुद बातचीत कर रहे हैं और उनको वस्तु स्थिति से रूबरू करा रहे हैं। तो मकसद साफ है कि पाकिस्तान को जो एलिमिनेट करना है वो फर्स्ट, दूसरा वो एक आतंकी देश है उसके वास्तविक पहलू से दुनिया के तमाम देशों को रूबरू कराना और तीसरा कि पाकिस्तान जो झूठ भारत के खिलाफ फैला रहा है उस झूठ के प्रति दुनिया के देशों को आगाह करना और बता देना कि मिलिट्री एक्शन लेने की जो पाकिस्तान ने कोशिश की है वो दरअसल युद्ध निर्माण है, वो दरअसल युद्ध को एक तरह से करने की। बिल्कुल मधुरेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।